बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक अहमद औरकज़ई है। मैंने एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज और बेरियाट्रिक सर्जरी में फेलोशिप किया है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुश्ताक अहमद औरकज़ई, एडवांस लेप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन, आप लोगों से मुखातिब है। इस वक्त हम जो बेरियाट्रिक पेशेंट है, मॉर्बिड ओबेस पेशेंट है, जिनका वजन ज़्यादा है और जिनको हमने ऑपरेट किए अफरीदी मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में, तकरीबन 250 मरीजों को हमने ऑपरेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मरीज़ बख़ैर व आफियत के साथ डिस्चार्ज हो चुके हैं और उनके बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस है इस वक्त जो हमें फीडबैक मरीज़ों की तरफ से मिला है। तो ओबेसिटी में ये है कि पेशेंट्स न सिर्फ कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता बल्कि उसके साथ साथ मरीज़ों को काफ़ी परेशानी होती है, उनका चलना फिरना, उठना बैठना और साथ जो है ना डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसके अलावा कैंसर जैसी मूजी अमराज में मरीज़ मुब्तला हो जाते हैं। तो इस वक्त वो मरीज़ जिनकी बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है उसको हम ओबीस कहते हैं। इसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नंबर इस वक्त तकरीबन आ चुका है, यानी टॉप 10 कंट्रीज़ में इसका जो है ना शुमार हो रहा है। इसकी वजह ये है कि एक तो पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है और लोग जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग हेल्थ केयर, डेली वॉक और जो हमारी डाइट हैबिट्स हैं वो इस अंदाज से है कि इसमें कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है, नशास्ता ज़्यादा है, हमारी सोशल एक्टिविटीज़, हमारे जो हर जगह पे स्वीट्स, मिठाइयाँ और कल्चरल चीज़ें इसमें काफ़ी शामिल है। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वो टॉप पे जा रहे हैं ओबेसिटी के हवाले से। ये ग्राफ भी आपको दिखा रहा है। इसके साथ ये जो ओबेसिटी है ये सिर्फ ये नहीं कि हम मोटापे के शिकार हैं बल्कि ये एक सिंड्रोम है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। अगर मोटापा है और उसके साथ डायबिटीज़ मेलाइटिस है या आपके जो फेट के इर्द गिर्द 40 इंच से ज़्यादा है जो सर्कम्फ्रेंस है और फीमेल में 35 इंच से ज़्यादा है या आपको ब्लड प्रेशर है 130 से ज़्यादा है और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, तो इनमें से दो भी चीज़ें हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार है। ये तो फिर ये बजात खुद सारी मदर ऑफ डिजीज़ है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसमें हार्ट अटैक और इसके अलावा फालिज का अटैक, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से होती है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो ओबेसिटी आता क्यों है, वजह क्या है, उनमें बड़ी बड़ी बातें ये है कि आजकल तनासानी हो गई है, लोग मशीनों का दौर है इस वक्त, सारी चीज़ें लोग मशीनों पे करते हैं, जो खुद चलना फिरना था या आजकल जितनी भी थोड़ी बहुत हम हरकत करते थे उससे हम आरी हो चुके हैं। इसके अलावा ज़्यादातर बचपन से स्कूलों में हमें जो है ना चॉकलेट और मीठी चीज़ें, और बच्चा रोता है तो कहते हैं मीठी चीज़ दे दो और उसको जलेबी दे दो। हमारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है ईद के मौके पर, शादियों के मौके पर स्वीट हर जगह पे। इसके अलावा हमारे जो अब करंट जो कोविड पेंडेमिक गुजरा है उसमें भी लोग चूँकि घरों तक महदूद हो गए, उनके जिम जाना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना महदूद हो गए, ये भी एक फैक्टर है। और मेटरनल फैक्टर या पेटर्नल फैक्टर, फैमिली में ओबेसिटी चल रहा होता है, तो ये सारी काजेज है ओबेसिटी की। तो जो जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं जिसकी वजह से हम उसको यानी दूर कर सकते हैं, यानी रोज़ाना का वॉक, ये सारी चीज़ें और मीठी चीज़ों से कम से कम ये जो हमारे जो चेंजेबल फैक्टर्स है उसको तो कम से कम हम दूर करें।